नमस्कार, मैं प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को शिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत सरकार ने पढ़ाई के साथ साथ कमाई का रास्ता भी छात्रों के लिए खोल दिया है। यानी कि समय समय पर बिहार सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता देती रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड से पढ़े छात्रों और खासकर की जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण किया है, ऐसे छात्रों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर चुकी है ना। ये खुशी की खबर, लेकिन इसमें भी एक लूपहोल है। यानी कि यह राशि सभी छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि ये केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने साल 2021 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और सबसे खास बात ये कि वो छात्र अल्पसंख्यक वर्ग का है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और भाषीय अल्पसंख्यक बांग्ला के छात्र छात्राओं को इसी सूची में प्राथमिकता दी गई है। ये तो हो गई राशि की बात, अब बात करेंगे छात्रों के आंकड़ों की। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में परीक्षा देने वाले ऐसे छात्रों की संख्या 50,114 बताई गई है। वहीं इन छात्रों के लिए 50,11,00,000 रुपए की राशि शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसके बाद अब जल्द ही राशि उपर्युक्त छात्रों के खाते में चली जाएगी। अगर आपको याद हो तो कोरोना के माहौल के बीच इस साल बिहार बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन फरवरी महीने में किया था, जिसके बाद बोर्ड ने अप्रैल के अगले हफ्ते में इसके रिजल्ट का प्रकाशन भी कर दिया, जहाँ पर बिहार बोर्ड ने पूरे देश में समय से पहले परीक्षा के आयोजन का रिकॉर्ड तो बनाया ही था, साथ ही बोर्ड ने समय पर परिणाम देकर भी अपने नाम नए कीर्तिमान को दर्ज किया था, जिसमें लगभग 17 लाख छात्रों ने शामिल होकर बोर्ड के इस फैसले को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने सिर्फ परीक्षा के आयोजन में फुर्ती दिखाई थी, बल्कि छात्रों ने भी बखूबी प्रदर्शन किया था। बिहार बोर्ड की तरफ से निकले आंकड़ों को देखें तो 78% छात्र परीक्षा में पास हुए थे। हालांकि अन्य बोर्ड की तरफ से बिहार बोर्ड पर भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला। बिहार बोर्ड ने किसी तरह परीक्षा का आयोजन तो करवा लिया, लेकिन कोरोना के कारण बिहार बोर्ड अपना कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं ले सकी, जिसके फलस्वरूप इंटर के बाद मैट्रिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में फेल विद्यार्थियों को अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया। इस निर्णय से इंटर में 97,474 विद्यार्थी पास हो गए और 1 लाख छात्रों को मैट्रिक में सफलता मिल गई थी। बिहार बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका था जब वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परीक्षाफल 5 अप्रैल को जारी किया गया हो। इससे पहले साल 2019 में समिति की तरफ से परीक्षा का परीक्षाफल 6 अप्रैल को जारी किया गया था। कोरोना के कारण रिजल्ट का प्रकाशन पहले किया गया था। वहीं अगर हम अन्य बोर्ड की बात करें तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण CBSE और ICSE ने 10वीं 12वीं के परीक्षा के आयोजन को पहले ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे कि साल 2021 में इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को बिना परीक्षा ही पास कर दिया जाएगा। हालांकि अभी किसी भी बोर्ड ने परीक्षा परिणाम को जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा परिणाम को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि छात्रों को अपने पिछले परीक्षा के अंकों के अनुसार अंक दिए जाएंगे। हालांकि इस बार का परीक्षा परिणाम कई छात्रों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का एक और मौका मिलने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।